गाजियाबाद से सांसद और पहले विदेश राज्य मंत्री और अब परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नई जिम्मेदारी मिली है विदेश राज्य मंत्री से परिवहन राज्य मंत्री। बहुत अच्छी जिम्मेवारी है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और मैं सोचता हूँ कि देश में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस दायित्व के ऊपर हम उनके विश्वास पर हम खड़े उतरें। सर, आप जनरल रहे हैं सेना में और जिस प्रकार से कई बार शिकायतें आती है कि जो हमारी रोड हैं वो जो सीमा क्षेत्र हैं पड़ोसी मुल्कों की वहाँ तक ठीक तरीके से नहीं है, अब आप राज्य मंत्री हो गए परिवहन में, क्या कुछ उसको लेकर आप बदलाव करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ एक सुचारू योजना के तहत चलती है। योजनाएँ बनी हुई हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। कुछ सड़कें हैं जिनमें गति नहीं मिल पाई है, वो देखा जाएगा। एक बार जाकर उसको समझें कि कहां पर क्या रुकावट है, क्या उसका हल निकल सकता है, उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाएगा। सर, एक सवाल है कि दिल्ली से जो मेरठ का एक्सप्रेसवे है उसमें गाजियाबाद से आप सांसद हैं, गाजियाबाद के भी कुछ एरिया आता है, कई लोगों की शिकायत है कि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्या उसको अब जल्द फिर कंप्लीट करवाया जाए? जो समय उसके लिए दिया गया था पूरा काम उस समय के अनुरूप चल रहा है, बल्कि उस समय से आगे चल रहा है। तो ये शिकायत रहती है कि जी काम चल रहा है, अब जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, 24 घंटे काम चल रहा है रोड्स के ऊपर। सर, अगर आप देखें और इसको अगर आप इसकी तुलना करें पहले नेशनल हाईवे 8 से, जो नितिन जी के प्रयास के कारण अब उसके ऊपर काम पूर्ण होने को जा रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। सर, आपका जो फील्ड में मतलब मास्टर, आप जनरल रहे हैं सर, आपका काम करने का जो तौर तरीका है वो सेना के अधिकारी का तरीका है, क्या आपको लगता है कि आप भूतल परिवहन जैसे मंत्रालय में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे? सेना के अंदर बॉर्डर रोड्स आती है, जो सड़कें बनाती है, हमारी सीमाओं की सारी सड़कें बॉर्डर रोड्स बनाती है, तो इन चीज़ों के बारे में पता है, इन चीज़ों को कैसे कराना वो भी पता है। और मैं सोचता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसके अंदर जिसका दायित्व मुझे दिया गया है और खासकर जो मापदंड नितिन जी ने रखे हैं बहुत ऊंचे हैं और उनके ऊपर पूरी प्रयास के साथ पूरी मेहनत के साथ काम किया जाएगा ताकि हम और उसके अंदर प्रगति कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल है, एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है, ब्यूरोक्रेट को लाकर विदेश मंत्री बनाया गया, आप भी जनरल थे, आपको भी मंत्री बनाया, किस तरीके से देखते हैं आप विकास की प्रगति को या फिर आगे देश को? नहीं, देखिए, ये एक ऐसा फैसला है जो प्रधानमंत्री जी ने देश की भलाई के लिए लिया है, उसमें कोई इसके ऊपर किसी प्रकार का विवाद होना ही नहीं चाहिए। और एक बड़े अच्छे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं